सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री राम वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिरोवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायनि कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्रतः। देव्यो वाच शृणो देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव सदेहेन ब्रह्मास्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामभिचेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि वीतिं शेषयन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखहारिणीका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे देवि नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानपहंसि दुष्टा रुष्टादुकामान सकलानविष्टान् स्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् श्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सदि। ॐ सदि साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनि आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्राशूलधारिणि पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचिति। सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी
अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति श्यामवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अवर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बर परिधान कलमञ्जीर रञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी मणुदुर्गा च मातङ्गी मतङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोदकर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्ब शुम्ब हननी महिषासुरमर्दनी मधुकेतवहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वात्र धारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती यदि अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ज इदं प्रपटे नित्यं दुर्गा नाम शदाष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वती कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजये त्वरया भक्त्या पठे नाम शदाश्रकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्य श्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तककुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण वीक्षयन्त्रं विधिना विधिज्ञ भवेत् सदा धार्यते पुरारि भूमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतदिशां गते विलिख्य प्रभवे स्तोत्रं सा भवे सम्पदां पदम् ॐ सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों का माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की प्रातःकालीन आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है तथा आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हमें माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति करने का सत्संग करने का
सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जे हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जीवन में हमें इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं जब हम संसार के बंधनों से निवृत्त होकर मां भगवती की चरणों की ओर प्रेरित होते हैं। आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण मां भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से मां के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और मां भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ हमें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो मां भगवती की स्तुति करने से स्तोत्रों का पाठ करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो आदि व्याधि हैं वह दूर होती हैं और जो भी हमारे कष्ट हैं वह मां भगवती की कृपा से दूर हो जाते हैं। हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति हमें प्राप्त होती है और मां भगवती की कृपा हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है। तो सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि मां भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। अथ देव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् चंडा चामुंडा देवता अंगना सूक्त मातरो बीजं दिगवंद देवतास्तत्त्वं श्री जगदंबा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग ॐ नमश्चण्डिकाये मार्कण्डे उवाच ॐ जद्गुर्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतां विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्या लोकवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति दुर्गम् पञ्चमं स्कन्दवादेति षष्ठं कात्यायणीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न देशां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्करे न परं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि जयसु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते जे त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशया प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासन इन्द्रियगणसमारूढा वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी वृषारूढा गोमारीशिखिवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहन ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता ऋष्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च
कुंतायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धने प्राचरावच्छतु मामेन्द्रियाणि अमग्निदेवता दक्षिणेऽवतु वाराहि नैरित्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणि रक्षेर्वायव्यां मृगवाहिनि उदीच्यां पादुकौमारि ईशान्यां चूलधारिणि उत्तमब्रह्माणि रक्षेदवस्ता वैष्णवीतता एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहन जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योदनी रक्षे उमामूर्तिरवस्थिता मालादरी ललाटे च प्रभो रक्षे सरस्वनि त्रिनेत्रा च प्रभोर्मध्ये यमघण्टा जनाधिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनि कपोलोकालिका रक्षेर्कर्णमूले तु शाङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तानक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिदुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठमञ्च धनुर्धरि नीलग्रीवा वै कण्ठे नलिकां नलकोबरि स्कन्धयो खड्गणि रक्षे बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयो दण्डणि रक्षे लम्बिका चाङ्गुलीषु च नकाञ्चुलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरि स्तनो रक्षेन्महादेवी मना शोकविनाशिनि हृदे ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नावौ च कामिणि रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतना कामि कामेदं गुदे महिषवाहिनि कट्या भगवती रक्षे जानुनि विन्दवासिनि जज्ञे महाबला रक्षे सर्वकाम प्रदायिनि दुर्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षे पादादस्थलवासिनि नखादर्शाकराणि च केशाचेवोर्ध्वकेशनि रोमकूपेषु कौवेरि त्वचं भागेश्वरि तदा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरि तदा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानौ तथा व्याणम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणचोभन रथे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमस्येव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी जया कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां दक्षिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्राण रक्षेण लक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्तानां सुपदा रक्षे मार्गं केमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनि परमेकं न गच्छेतो जले चेषु मात्मना कवचेनाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिका जं जं चिन्तयते कामं तं तं रावणादिवेशजं परमेश्वरमधुरं राप्स्यते भूतले पुमान् निर्वयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः
त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् व्यापदे त्रयो नित्यं त्रिसन्ध्यं शुभ्रान्विता देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येषु पराजिता जीवेदपरिषदं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जिता नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि जल्विषम् अविकाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचरा चैव जलजा सोमदेशिका सदा गुलजा माला डाकणी शाकणी तथा अन्तरिक्षचरा गौरा डाकिण्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसमेताला कूष्माण्डावेवादया नश्यन्ति दर्शणा तस्य कवचे हृदिसंस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशेलवनकाननम् तावत्तिष्ठति मे दिण्डं सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समोदते। अथ अर्गलास्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा पीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूता त्रिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकेतव निद्रावि विलात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि रक्तबीजपदे देवि चण्डमुण्ड विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि शुम्भस्येवन शुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि वन्दिताङ्घ्रिजुरे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि अरिन्दरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि चण्डिके सततं जेत्वां भर्तयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि विदेहि द्विषदां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणे अम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि विद्यावन्तं दशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि
प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडिके प्रणताय मे रूपम देहि जयम देहि जशो देहि त्रिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि जशो देहि त्रिशो देहि कृष्णेन संसुते देवी षट्स्वभक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि जशो देहि त्रिशो देहि हिमाचल सुधानाथ संसुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि जशो देहि त्रिशो देहि इंद्राणी परिषद भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि जशो देहि त्रिशो देहि देवी प्रचंड दोतंड दैत्य दर्प विनाशनी रूपम देहि जयम देहि जशो देहि त्रिशो देहि देवी भक्त जनो दाम दत्तानंदो व्यंबिके रूपम देहि जयम देहि जशो देहि त्रिशो देहि पदमी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी कारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं परे नरः साधु सप्तशती संख्या परमापनो दिसंपदा अथ कीलकम् ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षि अनुशुभ छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्यानीयान्मन्त्राणामविकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्धन्तुचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नोषधं तत्र न किञ्च सपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्का विमामहर लित्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रम् नै चण्डिकायासु तच्च गुप्तम् चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य तम् यथा विनियन्त्रणम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशय कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रतिदति एतम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्ठीनाम् विधायिनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् सा सिद्धा सागरः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यर्थस्य भयम् क्वापि जायते नापमृत्यो वशम् जाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यति यत्किञ्च दृश्यते लर्णायणे तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् क्षणेऽस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष श्रूयते सा न किम् जनैः श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् गिरिनन्दनि नन्दितमेतनि विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्दनि विष्णुविलासनि विष्णुते भगवति रचितकण्ठकुटुम्बनि भोरि कुटुम्बनि भोरि कृते जय जय
Jai 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 Jai
अब पुस्तक का अंतिम प्रश्न निकाल लीजिए। अत क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अरणि क्षमया दातोऽयमिति मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रेण क्रियायेण भक्तेण सुरेश्वरि जनपूजितं मया देवि परिपूर्णं ददस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगतं देति चोचरे जाङ्गदिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदं दृगे इदानीमनुतं त्वां यथेशसि तथा कुरु अज्ञानाद् स्मृतेर्भ्रान्त्या यन्योनं मृतकं कृतम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मात्रा सच्चिदानन्द विग्रहे ध्यानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्यादिगुह्यगोत्रे त्वं ध्यानास्मत्
कृतं जपन् सिद्धिर्भवतु मे देवी वस्त्रसादासुरेश्वरी। हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार हम सब ने मिलकर माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति की प्रार्थना की। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमादान दो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए एक स्वर से, हृदय से ओंकार शब्द का नाद करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे सांचे दरबार की। ओंकारम इंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। विद्वत योगी जन कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु बिंदु से युक्त इस ओंकार अक्षर का नित्य प्रति ध्यान करते हैं। सृष्टि के आदि एवं अंत में ओंकार शब्द का ही सर्वत्र गुंजायमान होता है। ओंकार में समस्त देवतागण विद्यमान रहते हैं। आ, ऊ और मां के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव इसमें वास करते हैं। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती का समय है। मां भगवती इस दिव्य गुफा के अंदर तीन प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में निवास करती हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है। केवल शीश रूप में ही हमें मां के दर्शन प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं। जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती अपने आए हुए शरणागत भक्तजनों को तीन प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य। महाकाली हमें शक्ति देती हैं। महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मां भगवती का एक नवार्ण मंत्र है जिसका प्रतिदिन जाप करने से ये तीनों सिद्धियां हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। सभी भक्त मिलकर उस बीज मंत्र का जाप करेंगे।
ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 बोल सांचे दरबार की। तो जे माँ भगवती का नवार्ण मंत्र है, इसके नौ अक्षर हैं और नौ ही माँ भगवती के स्वरूप जो हैं वह शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे इति कूष्मांडे इति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाते इति षष्ठम कात्यायनी इति च सप्तमम कालरात्रि इति महागौरी इति चाष्टमम नवमम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माँ भगवती के नौ स्वरूप हैं और नौ ही इस मंत्र के अक्षर हैं। एंग जो है ये माँ सरस्वती का बीज है और इसका प्रतिदिन जाप करने से माँ भगवती की सरस्वती जी की अपार कृपा हम पर बनी रहती है। और इस संसार में जिस मनुष्य के ऊपर माँ भगवती सरस्वती की कृपा हो जाए उसके जीवन में ज्ञान की कमी नहीं रहती और ज्ञान के द्वारा हम संसार में सत्कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है और हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। ह्रीं जो है ये माता महालक्ष्मी का बीज है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम इस मंत्र से माँ का जाप करते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा होने पर हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। हमारा जीवन बहुत ही सरल भाव से और समुचित रूप से आगे बढ़ता है क्योंकि जीवन में हमें जितनी भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह सब माँ लक्ष्मी की कृपा से ही हमें प्राप्त होती हैं। और बिना धन के हमारा जीवन जो है वह बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हम माँ भगवती के इस बीज मंत्र के जाप के द्वारा माँ भगवती की कृपा करते प्राप्त करते हैं। क्लीं जो है ये माता महाकाली का बीज है और माँ काली इस संसार में शक्ति के रूप में विद्यमान है और हमारे शरीर के अंदर भी जो शक्ति कार्य कर रही है जिसके द्वारा हम संसार में कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सारी क्रियाएं उस शक्ति के द्वारा संचालित होती हैं। और वह शक्ति हमारे शरीर से अगर एक क्षण के लिए भी अलग हो जाती है, किसी भी हमारे अंग से अलग हो जाती है तो हमारा वह अंग कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए वह शक्ति हमारे शरीर के अंदर सदैव विद्यमान रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, इसलिए माँ भगवती के क्लीं मंत्र के द्वारा हम उसका जाप करते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं। चामुंडा माँ भगवती का एक नाम है। पूर्व समय में चंडमुंड नामक दो राक्षस हुए और उनका जब माँ भगवती ने वध किया तो उस समय समस्त देवताओं ने माँ भगवती को चामुंडा के नाम से पुकारा। और बिच्चे ज्ञान के द्वारा हम इन तीनों महाशक्तियों को, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो आज शुभ संवत 2075 के फाल्गुन मास की 8 प्रविष्टि है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और मघा नक्षत्र है।
अतिगंड योग है, बालव कर्ण है, तदनुसार 20 फरवरी 2019 बुधवार के दिन मां भगवती की अपार कृपा से हमें मां की आरती के समय मां के चरणों में बैठकर सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि हमारा जो मन है वह दिन प्रतिदिन अनेक इच्छाओं को लिए हुए हमारे सामने उपस्थित होता है और हम उन इच्छाओं के पीछे भागते हुए संसार में ये भूल जाते हैं कि हमारा जो हमें मनुष्य योनि मिली है इसका उद्देश्य क्या है, और उन इच्छाओं को इच्छाओं की पूर्ति करते करते हम जो हैं वह उस मां जगजननी को भूल जाते हैं और हमें कभी किसी प्रकार का हमारे साथ कोई अनिष्ट हो जाता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं कि ये उस व्यक्ति के कारण हमारा अनिष्ट हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है। परंतु इसमें दूसरों का दोष कम और हमारा खुद का दोष जो है वह ज्यादा होता है। एक समय की बात है कि एक नगर में सब नगर वाले ऐसा सोचते थे कि इस नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका अगर प्रातः काल उठकर अगर वह हमारे सामने आ जाए, अगर सबसे पहले हम उसका चेहरा देख लें तो हमारा दिन जो है वह बहुत ही अशुभ होता है। तो उस व्यक्ति से वह सब लोग घृणा करते थे, बचते थे कि कहीं वह हमारे सामने ना आ जाए सुबह सुबह। इस प्रकार बात चलते चलते बड़े दूर तक फैल गई और एक दिन राजा के कानों में ये बात पड़ी कि अमुक व्यक्ति जो है वह बहुत ही बुरा है, उसका जो मुख देख ले तो उसे सारा दिन जो है अशुभ संकेत मिलते हैं और उसे खाने तक नसीब नहीं होता। तो राजा ने विचार किया, सभी कहने लगे कि हे राजन, इस व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये हमारे सबके कष्टों का कारण है। तो राजा ने विचार किया कि इसको निकालने से पहले एक बार में इसकी परीक्षा ले लूं, क्या ये सब सच बोलते हैं कि ये इतना ही अशुभ है। तो राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि अमुक व्यक्ति को पकड़कर लाओ, और जब उसे लाया गया तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने साथ वाले कमरे में उसको स्थान दिया और कहा कि इस कमरे में आप विश्राम कीजिए। और वह व्यक्ति राजा के साथ वाले कमरे में बैठ गया। वह सोचता रहा, पता नहीं किस कारण राजा ने मुझे पकड़कर लाया है, अब क्या दंड देंगे। तो उस दिन रात के समय भी वह व्यक्ति जो है वह उस कमरे में यही विचार करता रहा और सारी रात वह उस डर के मारे उसे नींद भी नहीं आई। और सुबह प्रातः काल जब राजा उठा और वह सीधा उसके कमरे में गया और उसका दर्शन किया, और उसके बाद
राजा अपने दैनिक कर्मों में निवृत्त हो गया। उस दिन राजा के सामने ऐसी ऐसी समस्याएं आ गईं राजकार्य में कि दिन भर उसको फुर्सत ही नहीं मिली और जहां तक कि उसको भोजन करने का समय भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब रात हुई तो राजा ने विचार किया कि आज तो मुझे भोजन भी नसीब नहीं हुआ, जे इसी व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ है। और वह राजा ने दूसरे दिन आदेश दिया कि कल सुबह इस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जे हम सब के लिए अनिष्ट कारक है। तो अब दूसरे दिन सुबह जब सैनिक उसे लेकर सूली पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो उस समय राजा ने उसे कहा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि आपको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है, तो इसलिए अब आपसे मैं एक बार ये पूछता हूं कि आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए, तो यथासंभव मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो उस व्यक्ति ने बड़े ही सरल भाव से राजा से कहा कि हे राजन, मेरी मृत्यु तो निश्चित है और संसार में जो भी आया है उसे अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह चाहे मैं हूं चाहे आप हो, और सबको एक दिन इस संसार में संसार से जाना है। आज कल प्रातः आपने मेरा मुख देखा और इस के कारण आपको दिन भर भोजन नसीब नहीं हुआ और इसका दोष आप मुझे मानते हैं, परंतु मेरे साथ क्या हुआ जे आपको सुनाता हूं कि हे राजन, कल सुबह मैंने भी आपका मुख देखा था और आपका मुख देखने के कारण मुझे मृत्यु दंड प्राप्त हुआ, आपको तो केवल भोजन नहीं मिला, अब बताइए कि मेरा दर्शन करने से या आपके दर्शन करने से किसका अधिक अनिष्ट हुआ है। तब राजा ने विचार किया कि जेवी तो सत्य कहता है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर मैंने इसका दर्शन किया तो इसने मेरा भी किया, तो इसको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है। तो उस समय राजा ने उसे छोड़ दिया। कहने का भाव है कि हम दूसरों को दोष देते हैं कि दूसरा व्यक्ति बुरा है, हम अपने अंदर नहीं जान कर देखते। कहा भी है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले हो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इसलिए हम दूसरों को दोष देने के अलावा अगर हम अपने ऊपर विचार करें तो हम अपना जीवन जो है वह सुधार सकते हैं, अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय भजनों की बेला है, तो सभी भक्त बड़े प्रेम से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए भजनों में साथ देंगे,
सब मिलकर के साथ में बोलेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूँ श्री मणिंदर जी से, वह अपना एक भजन माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री मणिंदर जी, जयकारा शेरवाल जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। मेरे घर में कोई कमी नहीं, 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 बस तेरा आना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया था कि तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया था कि तेरा दर्शन पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया था कि तेरा दर्शन पाना बाकी है। पाना बाकी, मैंने सब कुछ पाया दाती,
तेरे भोले भाले माँ तेरे शुक्र गुजार है माँ तेरे शुक्र गुजार है तेरी ही कृपा से सबको मिली तेरी ही कृपा से सबको मिली खुशियाँ परम्पार है माँ खुशियाँ परम्पार है उतर के लाखों माँ भक्त तेरे सेवादार दीवाना बाकी है सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी मेरे घर में कोई कमी नहीं 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 बस तेरा आना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी जो तेरे दर पे आते हैं जो तेरे दर पे आते हैं वो सब कुछ तुमसे पाते हैं वो सब कुछ तुमसे पाते हैं एक नजर मेहर की कर दो माँ एक नजर मेहर की कर दो माँ मेरी खाली झोली भर दो माँ मेरी खाली झोली भर दो माँ जो तेरे दर पे आते हैं जो तेरे दर पे आते हैं वो सब कुछ तुमसे पाते हैं वो सब कुछ तुमसे पाते हैं एक नजर मेहर की कर दो माँ एक नजर मेहर की कर दो माँ मेरी खाली झोली भर दो माँ मेरी खाली झोली भर दो माँ यूं तो गाए हैं गीत बहुत भक्ति का तराना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी हाँ मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी मेरे घर में कोई कमी नहीं मेरे घर में कोई कमी नहीं मेरे घर में कमी नहीं मेरे घर में कोई कमी नहीं मेरे घर में कोई कमी नहीं बस तेरा आना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मेरी मैया झंडे वाली है मेरी मैया झंडे वाली है ये कुल दुनिया की बाली है ये कुल दुनिया की बाली है मेरी मैया झंडे वाली है मेरी मैया झंडे वाली है ये कुल दुनिया की बाली है ये कुल दुनिया की बाली है ये सब रक्षा करती है ये सबकी रक्षा करती है कण कण में बसने वाली है कण कण में बसने वाली है चरणों में बहती गंगा का चरणामृत पाना बाकी है सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी हाँ मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मेरे घर में कोई कमी नहीं 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 बस तेरा आना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी हाँ मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी हाँ मैंने सब कुछ पाया दाती तेरा दर्शन पाना बाकी है मैंने सब कुछ
तेरा दर्शन पाना बाकी है, 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 माँ तेरा दर्शन पाना बाकी है, तेरा दर्शन पाना बाकी है, माँ तेरा दर्शन पाना बाकी है, तेरा दर्शन पाना बाकी है। जयकारा शुरू वाले जी का बोल सच्ची दरबार की। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से भी अपना एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शरावली में अजदा बोल सच्ची दरबार की जय। तनु चित कर कर रोवा हंजुआं दे हार परोवा तैनू चेते कर कर रोवा हंजुआं दे हार परोवा तैनू चेते कर 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 रोवा हंजुआ दे हार परोवा तैनू चेते कर कर रोवा हंजुआ दे हार परोवा इक चिरा तो दिल विच इक चिरा तो दिल विच कर सर दे चरनी बै जांगे अखियां चो बगदे नीरा दे अखियां चो बगदे नीरा दे अखियां चो बगदे नीरा दे तनु रस्ते पादे महारानी हो तनु रस्ते पादे महारानी नहीं तेरा बिच ही रह जागे करे बजावे सानू मंदरा विच दे थाती हो अस किसे विनु करे बजावे
ਪੈਰ ਕਰ ਰੋਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵਾਂ ਕਰ ਰੋਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਰਾਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਰਾਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਜਦੇ ਚਰਨੀ ਦਜਾਂਗੇ ਮੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਾਇਆ ਮੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂ
ਸਰ ਸਜਦੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਪੈ ਜਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਾਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਸੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਪਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਚੜ੍ਹਨੀ ਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਹਸੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਗਾਦੀਆਂ ਹਸੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਭਵਾਨੀ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਭਵਾਨੀ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਭਵਾਨੀ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜੇ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਦਸਦਾਸਲਾ ਕਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਵੀ
ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਤੂੰ ਦਾਦੀ ਦਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਤੂੰ ਦਾਦੀ ਦਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਦਾ ਤੂੰ ਦਾਤੀ ਦਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਤੂੰ ਦਾਤੀ ਦਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਦਾ ਮੈਂ ਮਈਆ ਦਾਸ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਈਆ ਦਾਸ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਅਜਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਡਿਗਾਵਾਂ ਸਭ ਤੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਡਿਗਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਅਜਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਅਜਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਡਿਗਾਵਾਂ ਸਭ ਤੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਕ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀਆ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਚਮਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾ ਮਤਲਬੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੁਖੀਆ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਚਮਦਾ
छट देवा मतलबी संसार रूमा जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे पर पंडर दो चढ़नी मियां उचियां गाटियां हसी आए तेरे दीदार नो जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे पंडर नो चढ़नी मियां उचियां गाटियां हसी आए तेरे दीदार नो जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे पर पंडालो चढ़नी मियां उचियां घाटियां मां तेरे बिन मुझ पापी नू दस हां कौन संभालेगा मां तेरे बिन मुझ पापी नू दस हां कौन संभालेगा मैं तेरे न माने पुत नू मां बिन केड़ा पालेगा मां बे आसरे न माने पुत नू मां बिन केड़ा पालेगा मां तेरे बिन मुझ पापी नू दस हां कौन संभालेगा पापी नो दस हाकेरा पालेगा बे आशरे निमाने पुत नो मां बिन केड़ा पालेगा मां बे आशरे निमाने पुत नो मां बिन केड़ा पालेगा तेरे चरणा च एहो मेरी अर्ज है मैया पुलीना चमन सेवादार नू मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नू तेरे चरणा च हो मेरी अर्ज है हो मैया पुलीना चमन सेवादार नू मां जगदम्बे शेरा वालिए खोल दे पर चढ़नी मियां उचियां घाटियां हसी आए तेरे दीदार नू मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नू चढ़नी मियां उचियां घाटियां हसी आए तेरे दीदार नू जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नो 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 चढ़नी मियां उचियां घाटियां जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्तजम भूफलचारुर्भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सिंह स्था शशि शेखरामरकत प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनुशरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिवीशोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरण काञ्चीरनुन्नु पुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते
हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार हम सब ने माँ भगवती के चरणों में बैठकर बड़े आनंद के साथ माँ भगवती की स्तुति की, सत्संग किया। माँ भगवती से हम यही एक प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमारे द्वारा किया गया जे सत्संग जे स्तुति, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुए हमें अपना आशीर्वाद दो। माँ भगवती की ओर से आप सब भक्तजनों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संततिवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरिभूति करुणे दाने कनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, दैरि दर्प दलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर भव पूज पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव, मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव। माँ भगवती आप सभी भक्तों की दीर्घायु करें, आप संतान से युक्त हों, लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, यशस्वी बने, विद्वान हो, अनेक प्रकार के दान करने में आपकी समर्थ्या बनी रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो तथा दिन प्रतिदिन आप उन्नति को अग्रसर हो, और माँ भगवती सदैव आप पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखे, आपके आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। तो इस समय माँ भगवती की आरती की बेला है, सभी भक्त माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से माँ भगवती की आरती गाएंगे, सब मिलकर के बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल गौरी मैया, जय आनंद गौरी तुम को निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे जलते दौने ओ जलते दौने चंद्रभरणी को, ओ जय अम्बे गौरी कनक कथमान कलेवर रक्तांबर राजे, हे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। हरि बाहन राज खड गघ पर धारी, हो मैया खड गघ पर धारी सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक सिर के दुख हारी, कुंडल शोभित नागरे मोती, हो मैया नागरे मोती, कोटि का चंद्र दिवाकर सब राज ज्योति, हो जय मरी शाह जुर गाते रवि
विलोचन नैना दिश दिन भगवानी ओम जय अम्बे मधु कैट बदौ मारे मधु कैट बदौ मारे सुर भय ओम जय अम्बे गौरी रानी तुम कमला रानी भैया तुम कमला रानी आगमन गम भखानी आगम बखानी तुम शिव बड रानी ओम जय अम्बे गौरी हो मैया नित करत भैरो भाजत लाल मृदंगा भाजत लाल मृदंगा पर भाजत तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता हरि हर स्वामी भलवाचित भल पावे ओम जय अम्बे गौरी हो मैया जय राम गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय बोल सांचे दरबार की जय क्षमा करो अपराध शरण माया हम क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ माता वैशो द्वार में शीश झुकाया हूँ माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया देवों के सब संकट तारे देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु के तब मारे रक्त बीज मधु के तब मारे सुम्बन शुम्भ असुर संगारे सुम्बन शुम्भ असुर संगारे दिया भगत कल्याण शरण माया दिया भगत कल्याण शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया बालकपन खेलों में गवाया बालकपन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भर माया यौवन विषयों में भर माया बूढ़ापन कुछ काम न आया बूढ़ापन कुछ काम न आया
सफल बनाओ शरण माया हूँ, जीवन सफल बनाओ शरण माया हूँ, क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ, क्षमा करो अपराध शरण माया, धन यौवन का साथ नहीं है, धन यौवन का साथ नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया हूँ, नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया हूँ, क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ, क्षमा करो अपराध शरण तारा, मां भक्तों को तुमने तारा, मैं कपुत्र सारथ रथ न्यारा, मैं कपुत्र सारथ रथ न्यारा, पुत्र कपुत्र जगत में होते, पुत्र कपुत्र जगत में होते, माता देखे उन्हें न रोते, माता देखे उन्हें न रोते, वैसो कर कल्याण शरण माया हूँ, कल्याण शरण माया, क्षमा करो अपराध शरण माया, क्षमा करो अपराध शरण माया, माता वैष्णोधार मैं शीष झुकाया हूँ, माता वैष्णोधार मैं शीष झुकाया, बोल सांचे दरबार की जय। इस समय परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस दिव्य गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती की वंदना करेंगे, तब तक माँ भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, चल मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, पाड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, मामा काली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, भक्ति देंदे जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गरुड़ स्वारी जय माता दी, परे खजाने जय माता दी, तोलायाने जय माता दी, सरस्वती माँ जय माता दी, हंस स्वारी जय माता दी, विद्या देंदे जय माता दी, ज्ञान देंदे जय माता दी, भक्ति देंदे जय माता दी, शक्ति देंदे जय माता दी, चोलिया पर दे जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो देहि, यशो देहि दिशो देहि, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थी हरे देवी, सर्वस्यार्थी हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः, शान्तिः।
सभी भक्तजन शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। तृतीय तिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मर्याद पहल जो सतगड़ी जो चरणा का ध्यान जय माँ। विश्वादारं गगनसदृशं
शेषम मेघवर्णम सुभाषम लक्ष्मी कांतम कमलनयनम ज्योतिर्विद्याभंगम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम अच्युतम केशवम समदारायणम सीतापूजनम वासुदेवम श्रीधरम माधवम भक्तिदारम हरे मुरारे मुरारे दुलारे गोविंद गोपाल मस्तकेश्वरे गानम परे जगम परे विद्या परे भगवन नमस्ते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सवा पंचकुला रानी माता तेरी सवा नर्मदा बला कन्न वाली माता तेरी सवा सारे संसार विश्वांत देने वाली माता तेरी सवा कुलांच का माफ करने वाली माता तेरी सवा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सवा रंकड़ा भी ठाग तेरी सवा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गुरु महाराज की जय उच्च माता पिता की जय धमार की जय जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरा वाली दा जो जो से आशीर्वाद ठीक है जो जो से
Yo, this is love, but he, yeah. So, that's it.